लेकिन आइए अब जरा इस पर हम, ये तो हमारे राजनीतिक, ये तो हमारे सियासत ना हो गए, लेकिन जो आम जनता है वो क्या कुछ कह रही है। सीधा मथुरा में रुख करते हैं। हमारी सहयोगी महिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, यूं तो मौका जन्माष्टमी का है और वहां पर सब उसी धूम में भी होंगे, लेकिन पिछले दो दिन में, और स्पेशली अगर मैं आज के योगी आदित्यनाथ के बयान की बात करूं, तो क्या इन लोगों को पता है ये लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया इनकी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हिमानी। और सबसे बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो आज मथुरा पहुंचे थे सुबह के समय। सबसे पहले उन्होंने जन्मभूमि पूजा अर्चना की और उसके बाद उनका संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि अगर एकजुट होंगे तो ठीक होगा, अगर बटोगे तो कटोगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी सामने आई। अच्छा, देवकीनंदन ठाकुर से हमने बात की इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जब से उनकी तरफ से बयान दिया गया, जहां एक तरफ राजनीति हो रही है, उन्होंने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, कोलकाता का एग्जांपल दिया। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन ले लेते हैं। दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए मैम। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, ठीक कहा क्या? ठीक किया। हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जी, ताकि हम भी अपना दर्शन अच्छे से करें। बांग्लादेश का एग्जांपल दे रहे थे कि बांग्लादेश में जो हुआ हिंदुओं के साथ वो यहाँ पर ना हो, इसलिए सभी हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए। देखिए, कुछ लोग हैं और फिलहाल दर्शन करके आ रहे हैं और अभी यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़। मैं तैयारियों की तस्वीरें फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहाँ आज अपने संबोधन में ये बड़ी बात कही है, लेकिन पूरी मथुरा नगरी में राधे राधे श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे रामा बस यही सुनाई दे रहा है, क्योंकि लोग दर्शन करने के लिए। हरे कृष्ण हरे रामा की आप बात कर रही हैं, तो महिमा अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो कल इसी मथुरा पर, मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त वहां पर थे, उन्होंने मथुरा को लेकर भी, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। और जाहिर सी बात है कि जो कृष्ण भक्त यहां पर हैं वो एक अलग ही फिजा जो है वो वहां पर चाह रहे हैं। उस बयान को किस तरह से देखते हैं योगी आदित्यनाथ के ये यहां के लोग? चलिए, महिमा का मैं रुक करूंगी, लेकिन चूंकि जन्माष्टमी का आज मौका है और वो धूम जो है देश भर में दिखाई दे रही है, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि मथुरा हो आगरा हो, दो दिन में दो अहम बयान जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आते हैं। इस पर जो हमारा साधु संत है, जो संत समाज है, वो क्या कुछ कह रहा है, वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सर्वोपरि होना चाहिए, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए आज राष्ट्रहित में, विश्वहित में, मानव हित में एकजुट होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर एकजुट नहीं होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल बात सही है। सवाल ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बांट कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी कौन बांट रहा है, बांटने वाला कौन है? केंद्र सरकार में, पीएमओ में, देश के विश्वविद्यालयों में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बांटने का काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी? स्वामी जमाई को आप सुन रहे थे और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज को आप सुन रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल ऑन जो सनातन की पिच है उस पर बैटिंग कर रहे हैं, उस पर खेल रहे हैं। हिंदू जागरण वो करते रहेंगे, उनको एकजुट करते रहेंगे, और विपक्ष की जो रणनीति है, जो राजनीति है, इसको लेकर उसको वो सफल नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने साफ बता दिया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हम आपको दिखाते हैं। फिलिस्तीन तो दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो भारत में बैठे देश विरोधी मानसिकता के लोग मुखर हो गए, केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे, देश को तोड़ने वाली सोच खुलकर सामने आने लगी। तख्ता पलट बांग्लादेश की पहली तस्वीर थी, लेकिन बांग्लादेश की जो दूसरी तस्वीर दुनिया के सामने आई उसने सनातनियों को झकझोर कर रख दिया। तख्ता पलट होते ही कट्टरपंथी बांग्लादेश के हिंदुओं पर टूट पड़े, हिंदुओं के घरों में लूटपाट की, आस्था के मंदिर को जला डाला, महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। जिन लोगों ने तख्ता पलट पर खुशी जताई थी वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर बैठ गए थे।
जिन लोगों को फिलिस्तीन के मुस्लिमों की चिंता थी, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंखें बंद कर ली। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधी मानसिकता वालों को आईना दिखाया। इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। क्योंकि आप मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। सनातन की पिच पर मुख्यमंत्री योगी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने जहां कल मथुरा में सनातन के इतिहास और सनातन के गौरव का बखान किया, तो वहीं आज आगरा पहुंचने पर सनातनियों को एकजुट रहने का संदेश दिया। ये संदेश इसलिए भी था क्योंकि भारत में कई दल ऐसे हैं जो सनातनियों को जाति में बांटने की कोशिश करते रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सनातन की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी ने हुंकार भरी, तो हिंदू संगठनों और संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी के बयान का खुलकर समर्थन और स्वागत किया। अगर योगी जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, समृद्ध रहोगे, इसमें बवेला किस बात का? और ये तो दुनिया भर में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ देश बटा। बांग्लादेश की स्थिति कोई कमतर नहीं है, दुनिया देख रही है, लेकिन कोई हिंदू के लिए नहीं बोल रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चेतना जागृत करने का भी समय है। हिंदुओं को बांट दिया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, प्रांतों में बांटा जा रहा है, लेकिन आज हिंदू समाज ने आंखें खोलने की जरूरत है। और महाराज जी ने जो बताया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यह महाराज जी का आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है। मथुरा और आगरा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी के ये बयान बता रहे हैं कि विपक्ष की हिंदुओं को जाति में बांटने वाली राजनीति आसानी से कामयाब नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री योगी ऐसे ही हिंदू जागरण का अभियान चलाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विपक्ष चाहे कितनी ही राजनीति इस पर क्यों ना कर ले, लेकिन वो उसकी रणनीति, उसकी राजनीति सफल नहीं होने देंगे, ये साफ तौर पर बता दिया है। लेकिन जो हमारे कुछ हिंदू धर्मगुरु हैं, जो मौलाना साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, आइए आपको दिखाते हैं। योगी जी आने वाले भविष्य को देख रहे हैं। जो भारत का भविष्य हो सकता है अगर हम नहीं इकट्ठे हुए, पाकिस्तान में कटे हैं हम, जम्मू कश्मीर में कटे हैं हम, बांग्लादेश में हाल फिलहाल में कटे हैं क्योंकि हम वहाँ बटे हैं। अगर हम वहाँ बटे ना होते तो हम कटे ना होते। मैं समझता हूँ उनके कहने का मकसद ये होगा कि सारी इंसानियत एक कुनबा है और सबको मुत्तहिद रहना चाहिए इंसानियत के उसूलों पर और सबको नेक रहना चाहिए, उन्होंने खुद कहा, और सबको एक होकर के एक ही सब मालिक की तरफ अपना मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, समाज को एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहेगा समाज तो सुरक्षित रहेगा। ये तो पाकिस्तान तो चाहता है और देश में कुछ शक्तियां जो समाज को बांटना चाहती हैं। ये समाज एक साथ रहेगा तो ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। एकजुटता में ही ताकत है और देश यदि एकजुट होकर के अपने बुराइयों पर मुकाबला करे